वेलकम बैक एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई एम श्योर यू गाइज आर डूइंग वेल मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं विथ अ रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजी फॉर सी ए इंटर मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एग्जाम सो हियर आई एम विद द रिक्वेस्टेड वीडियो आई एम योर एजुकेटर एंड फ्रेंड सी ए राजकी अग्रवाल और आज मैं आपको स्ट्रैटेजी और मैथड्स बताने वाला हूं कि कैसे आप मे दो हजार चौबीस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हो इस वीडियो में मैं दो पर्सपेक्टिव डिस्कस करूंगा फर्स्ट फॉर दोज विल बी अपियरिंग फॉर जस्ट थ्री पेपर्स दैट इज ग्रुप वन ओनली एंड देन फॉर फॉर दोज हु आर सिक्स पेपर्स दैट इज बोथ ग्रुप्स सबसे पहले टॉप सीक्रेट जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अगर ये बात सुनकर आपको मजा आए तो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में जब भी कोई नया सिलेबस आता है ना तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसका पेपर बहुत इजी आता है मार्किंग भी लीनियंट होती है रिजल्ट बड़ा ही अच्छा आता है हिस्ट्री ऑफ आईसीआई से यह बात आपको कह रहा हूं पास्ट में ऐसा ही देखा गया है हमेशा जब भी कोई नया सिलेबस आया है तो ऐसा ही हुआ है सो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एनी न्यू सिलेबस इज अ गोल्डन चांस टू क्लियर दैट मीन्स यू ऑल आर रियली लकी मजाया सुनके ये बात बहुत है पे। आपके लिए सबसे सबसे जरूरी कि कि आप सबसे पहले तो new course structure को को समझिए, खुद कीजिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कहां, -कहां हुए बिकॉज ऑब्वियसली हंड्रेड परसेंट कोर्स तो चेंज हुआ नहीं है और आप ओल्ड सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन भी करके बैठे हो ठीक है तो इसलिए आप आईसीआई के मॉड्यूल को अच्छे से ग्रोथ करिए देखिए कौन कौन से टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं और कौन कौन से डिलीट हुए हैं राइट right? ये काम आप अच्छे से कर ले ताकि आप अपनी प्रिपरेशन ठीक ढंग से राइट डायरेक्शन में कर पाए चलिए अब शुरू करते हैं जो बात सबके लिए एप्लीकेबल है फॉर दोज अटेम्प्टिंग थ्री पेपर्स आपके पास चार महीने हैं एंड इन दैट आप न्यू सिलेबस को इजिली वेल प्रिपेयर कर सकते हैं आपने क्लासेस ले रखी हैं तो अपने कोचिंग के मटेरियल से ही पढ़िएगा कॉन्फिडेंस दिखाइए उस मटेरियल पे ठीक है ट्रस्ट कीजिए जहां से भी आप क्लास ले रहे हैं आप उस मटेरियल को यूज कीजिए एंड इफ यू हैव नॉट टेकन एनी क्लासेस देन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़िए क्योंकि अभी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है आई होप यू अंडरस्टैंड एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल का मतलब आरटीपीज एम टीपीज न्यू सिलेबस की ये सब प्लाई नहीं है और अगर ये रिलीज भी होंगे तो ये सब रिलीज होंगे इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल मगर आपको इतना वेट नहीं करना है आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है

एंड फॉलो दैट रिलीजियसली अगर आप क्लासेस कर रहे हैं नो मैटर इफ यू आर अपेरिंग फॉर थ्री पेपर और सिक्स पेपर कोशिश करिए फरवरी तक आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर लें डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे मंथली बेसिस पे फॉर बेटर रिटेंशन एंड ट्राई टू डू एटलीस्ट कम से कम दो फुल रिविजन क्योंकि कोर्स काफी बड़ा और टेक्निकल है जिसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा पता है सबसे बड़ी परेशानी क्या क्या है इस प्रोफेशनल कोर्स में इस प्रोफेशनल कोर्स में बड़ी परेशानी यह है कि कोर्स लेंदी बहुत है और इसलिए हमें रिटेन नहीं होता तो जब हम मल्टीपल रिवीजन करते हैं ना तभी यह रिटेन होता है मेरी तो गारंटी है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के कोर्स को चार टुकड़े में डिवाइड कर दो और चार दिन अलग अलग पेपर ले लो मतलब 25-25 परसेंट कोर्स करके पेपर ले लो सारे बच्चे पास हो जाएंगे क्योंकि उनको आता तो सब ही है भूल जाते हैं वो रिटेन नहीं कर पाते इतनी सारी चीजों को एक साथ एंड दिस इज द रीजन बाय रिविजन एंड टू सेव योर टाइम एंड स्टडी इफेक्टिवली मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको क्लासेस लेनी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि देखिए टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है और वो टॉपिक को ऐसे समझाते हैं जिससे आप रिलेट कर पाए और उसके पीछे का लॉजिक समझ में आपको आता है तो इससे आपका टाइम बचता है और साथ ही साथ आपको चीजें बेटर याद भी रहती हैं मगर क्लासेस भी आपको रेगुलर करनी होगी अगर आप क्लासेस लेते हैं तो यह नहीं कि क्लासेस ले लिया है और उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है और हमने अभी बीस परसेंट कोर्स किया है राइट आपको टारगेट करना है कि टाइमली आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि आप रिविजन कर पाओ एंड इफ यू वॉन्ट द बेस्ट क्लासेस मगर आप बहुत पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हो तो डू चेक आउट स्टडी एट होम क्लासेस www.studyathome.org और या फिर आप जाइए स्टडी एट होम लर्निंग ऐप ठीक है एंड इफ यू डोंट वांट टू डू क्लासेस भाई मुझे तो क्लास करनी ही नहीं आप कहते हो यू वांट टू गो फॉर सेल्फ स्टडी देन आल्सो यू कैन रेफर टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी एट होम ठीक है वहां पर जाइए जहां मैंने सी इंटर वाले बच्चों के लिए पूरा टैक्सेशन यूट्यूब पे अपलोड कर रखा हूं राइट right? और कंटिन्यूसली वो प्लेलिस्ट अपडेट होती रहती है हर दिन नौ बजे एक वीडियो आ रही है टैक्सेशन की एकदम ताजा ताजा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं और मुझे तो उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे उन लेक्चर्स को ऑलरेडी कर भी रहे होंगे और अगर आप कर रहे हैं तो आपका फीडबैक कैसा है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए फीडबैक जरूर देना है आप सभी मेरे लिए ब्रांड एम्बेसडर हो और भले ये प्लेलिस्ट सी इंटरमीडिएट के लिए है मगर सीए फाइनल वाले बच्चों आप भी इसे यूज कर सकते हो बहुत सारी कॉमन चैप्टर्स हैं उसके लिए आप इस प्ले को रेफर कर सकते हो सो फॉलो दीज स्ट्रेटजीज़ एंड स्टार्ट यूर स्टडीज फ्रॉम टूडे एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू एंड आई बिलीव इन ईच वन ऑफ यू थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट विल मीट अगेन इन सम अदर इन्फॉर्मेटिव टिलन की प्लानिंग एंड ग्रोइंग बाय